पर दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से बात की जाए आखिरकार इधर शगुन की और साथ में इधर राजवीर की, तो दोनों को बेइज्जत किया जा रहा है और बेइज्जत करने वाला शख्स कोई और नहीं है बल्कि इस समय खुद जो कि सौर्य है, क्योंकि दोस्तों सौर्य लूथरा इस समय अपनी करनी में किसी भी तरीका की कमी नहीं कर रहा है। वो लगातार ऐसे ऐसी चीज़ बोलता हुआ नज़र आ रहा है राजवीर और पल्की के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पल्की को हर तरीका से बेइज्जत करने का एक तरीका बोला जाए तो ठेका सा ले रखा है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राजवीर अब बोलता हुआ नजर आने वाला है मुँह पे सौर्य से कि सौर्य जितनी तेरे में अकड़ है, तेरी अकड़ है तो चाहूँ तो मैं एक मिनट में निकाल सकता हूँ, क्योंकि तू बिगड़े हुए बाप की औलाद है, क्योंकि तू अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है इसीलिए ही तू इतना ज़्यादा चढ़ रहा है, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि आखिरकार ये अमीरी धरी की धरी रह जाएगी अगर मैं अपनी सिपा आ गया था। और वाकई में दोस्तों राजवीर सिर्फ पल्की की वजह से शांत है, क्योंकि पल्की नहीं चाहती कि यहाँ पर किसी भी तरीका का ड्रामा हो, और इसी चीज़ को आखिरकार सौर्य इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आ रहा है राजवीर के का, क्योंकि राजवीर वाकई में इस समय सेंसेबल लड़का है, वो कभी भी नहीं चाहता किसी के साथ में भी फाइट का कोई भी मौका हो। लेकिन दोस्तों वहीं सौर्य इस समय अपनी गर्मी में कोई भी कमी नहीं कर रहा, बल्कि वो हर तरीका से जलील करने की कोशिश कर रहा है, और जलील करने के पीछे का रीज़न भी आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि दोस्तों जलील करने के पीछे भी कितनी चीज़ सामने आती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी में एक और नया ट्विस्ट निकलता हुआ नज़र आने वाला है, जब आखिरकार करण के साथ में इस समय फाइट करती हुई नज़र आ रही निधि, क्योंकि निधि बोल रही कि तुम इतने टाइम तक कहाँ रुके थे और तुम्हें मतलब क्या है इतने समय रुकने का। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा इस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।